Hello students, in this video we are going to discuss about what is Gauss theorem, how to prove Gauss theorem and some very important points related to Gauss theorem jinke upar board ke upar questions puche gaye hain, one mark questions puche gaye hain, theek hai. So this theorem gives a relationship between the total flux emerging out through any closed surface and the net charge enclosed within the surface. Theek hai, kitna flux hai? Flux is total number of electric lines of force passing normally through an area. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं. सो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हमें अगर आपका फ्लक्स निकालना है थ्रू एनी क्लोज सरफेस तो हम पहले डी फाई निकालते हैं, ई डॉट डी एस. ये क्या है, ई डॉट डी एस क्या है, एक छोटे से एलिमेंट डी एस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है पहले वो निकालोगे, फिर उसका पूरे का सरफेस इंटीग्रल ले लोगे, तो ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स E dot ds. और जब इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया थ्रू आउट द क्लोज सरफेस तो ये बन गया आपका टोटल फ्लक्स. एंड द थ्योरम सेज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. ठीक है, ये इनसाइड आएगा चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, और यू कैन से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, क्यू क्या है इसके अंदर, नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर का सरफेस, सरफेस के बाहर का चार्ज हम काउंट नहीं करेंगे, सरफेस के अंदर का चार्ज हम काउंट करेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं, एक यहां पे आपका सपोज 4q चार्ज है, यहां पे 2q है और यहां पे q है, तो ये 2q और q ही काउंट करेंगे इस q इनसाइड के अंदर, 4q का कोई रोल नहीं होगा इन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स. ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं, ये 4q, 2q और q इन तीनों को काउंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हम सभी इनसाइड और आउटसाइड चार्जेस काउंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड चार्जेस एज वेल एज ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस. लेकिन जब हम चार्ज लेते हैं q इनसाइड, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा, सिर्फ 2q एंड q मींस 3q ही आ जाएगा आपका, q इनसाइड विल बी 3q. जो मैंने एग्जांपल दिया है इसके अंदर, आई होप इट इज क्लियर. सो टोटल फ्लक्स एमर्जिंग आउट थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. ठीक है, सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है. अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और इस पर जो पूछे हुए बोर्ड क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर ए क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप एंड फॉर एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन. ठीक है, इफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस इज जीरो, ठीक है, अगर क्यू इनसाइड जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस क्यू की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स आपका नेचुरली, फ्लक्स भी आपका जीरो हो जाएगा. जैसे किसी क्लोज सरफेस के अंदर डायपोल पड़ा हुआ है तो नेट चार्ज डायपोल का जीरो होता है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स एमर्जिंग आउट थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी जीरो. ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं अभी. द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है, वो जीरो होगा. तो इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इस फिगर की मैं बात कर रहा हूं, क्यू एक चार्ज है जो बाहर पड़ा हुआ है, तो इस क्यू से रेडियली आउटवर्ड जो लाइंस निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, तो जितनी लाइंस एंटर हो रही हैं, ठीक है, फोर लाइंस एंटर, 1 2 3 5 लाइंस एंटर हुई तो 5 लाइंस भी बाहर निकल गई. ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट को देखो, ठीक है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, अंदर की तरफ है. सरफेस का डायरेक्शन जब भी क्लोज सरफेस लेते हैं, सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, कभी भी अंदर की तरफ नहीं लेते. तो डीएस बाहर की तरफ हुआ तो बीच में एंगल बना ऑब्ट्यूस. तो जब आप कैलकुलेट करोगे, जब थीटा ऑब्ट्यूस होता है तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है आपका, तो ई डी एस कॉस थीटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी. तो यहाँ तो फ्लक्स आया आपका सपोज थ्रू नेगेटिव, माइनस नेगेटिव, माइनस फाइव ले लिया हमने, ठीक है. और जब ये बाहर की तरफ निकलती लाइंस जो, ठीक है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो बाहर की तरफ है, ये तो आपका हुआ ई, ठीक है, और ये सरफेस एलिमेंट ले लो, एरिया एलिमेंट डी एस, इनके बीच में नेचुरली एक्यूट एंगल बनेगा. जब थीटा एक्यूट होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ई डी एस कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा आपका प्लस फाइव ई, ठीक है. तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, माइनस फाइव ई प्लस फाइव ई, तो टोटल फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा. तो नेट फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज आउटसाइड द सरफेस विल बी
जीरो। जितनी लाइंस एंटर हुई, जब किसी क्लोज सरफेस में लाइंस एंटर करती हैं तो नेगेटिव फ्लक्स आता है, बाहर निकलती हैं तो पॉजिटिव फ्लक्स आता है, दोनों ऐड होकर के इट विल बी जीरो। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्लक्स फ्रॉम ए चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ए मीडियम। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है अगर फॉर ए मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी साई और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आपको दिया है। ठीक है, एप्सिलॉन दिया है यहाँ पे और यहाँ पे के दिया है। तो अगर ये, वैसे तो फ्री स्पेस में तो ये फॉर्मूला आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में आपने मीडियम को इंसर्ट कर दिया तो फॉर्मूला विल बी रिप्लेस्ड बाय क्यू अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के ऊपर, वो देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। वन मार्क क्वेश्चन आया है ये भी कमाल करते हैं, बताओ इतना लंबा क्वेश्चन और वन मार्क का क्वेश्चन दिया है। बट एनीवे, दो सर्फेसेस हैं, एस वन के अंदर टू क्यू चार्ज है, ठीक है, दिस इज एस वन, इसके अंदर चार्ज टू क्यू है, और एस टू के और एस वन के बीच में फोर क्यू चार्ज है। ठीक है, तो एस टू के ऊपर कितना चार्ज दिया हुआ है आपको, फोर क्यू दिया हुआ है। ठीक है, एस वन के ऊपर टू क्यू है, एस टू के ऊपर फोर क्यू चार्ज है। तो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो S1 का होगा, फॉर्मूला क्या है आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू Q इनसाइड। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको, तो phi S1 ले लो और phi S2 ये पूछा है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, तो S1 के साथ तो आएगा यहां पे 2Q और phi S2 के साथ आएगा 2Q plus 4Q. So it will be 2q upon 6q, तो 1:3, और you can say 1:3 का इसके अंदर रेशियो है, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। हाउ विल द सेकेंड पार्ट इज, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1? S1 के अंदर 2q चार्ज है, अगर इसको एक ऐसे मीडियम से भर देते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इसमें दिया है एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो हमारे पास, हमने भी जस्ट ऊपर पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्री स्पेस पे तो ये फॉर्मूला है, और अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपको के की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे के की वैल्यू आपको एप्सिलॉन नॉट आर दी है, तो के की जगह एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट आर रख दें यहाँ पे, और ये एप्सिलॉन नॉट जीरो आ जाएगा। आई विल रीराइट इट, दोबारा लिख देते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट आर E नॉट। ठीक है, तो K की जगह हमने क्या लिख दिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट आर दे दिया इसके अंदर। सो आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2010, ये फिगर आपको दिया है। तो इसके अंदर सरफेस के, क्लोज सरफेस के अंदर 2q और -q चार्ज है, सरफेस के बाहर 3q चार्ज है। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस S? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लेना देना सिर्फ और सिर्फ Q इनसाइड से है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना है, 2Q माइनस Q है, 2Q माइनस Q, एल्जेब्रिक सम कर दें इनका, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन सिर्फ इनसाइड चार्जेस का होता है, आउटसाइड चार्जेस का कोई रोल नहीं होता। अब हमने ये पॉइंट पढ़ा था, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर ए क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप एंड फॉर एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सिमेट्रिक। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, इफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस इज जीरो, क्यू इनसाइड जीरो है, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। एक आर्बिट्ररी सरफेस है विच एनक्लोजेस डायपोल, डायपोल डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों चार्जेस का एल्जेब्रिक सम क्या आएगा, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। ठीक है, बीच का डिस्टेंस 2a है, तो क्यू इनसाइड कितना हो गया, ठीक है, तो क्यू इनसाइड आपका हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, सो नेट चार्ज तो आपका जीरो हो गया। तो व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड आपका जीरो है, तो आंसर इज जीरो। So if the net charge enclosed by a closed surface is zero, then the flux through it is also zero.
ठीक है, द नेट फ्लक्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सर्फेस ड्यू टू ए चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सर्फेस इज जीरो, ये हम डिस्कस ऊपर कर चुके हैं अभी। तो इफ द रेडियस ऑफ द गॉशियन सर्फेस एनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू, ठीक है, चार्ज क्यू है, इस पे दो सर्फेसेस मैंने बनाई है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सर्फेस एंड दिस इज द सेकेंड सर्फेस। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉशियन सर्फेस चेंज अगर रेडियस इसका हाफ कर दें, ठीक है, तो फर्स्ट पहले ये सरफेस थी, इसका सरफेस का रेडियस हाफ करके सेकंड सरफेस बना ली हमने, ठीक है। तो अगर सपोज करो इसमें से 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, तो सरफेस को आप चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, 100 लाइंस ही बाहर निकलेंगी, ठीक है। और अगर फॉर्मूला देखें हम लोग, तो फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला इज टोटल फ्लक्स इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली चार्ज इनसाइड पे डिपेंड करता है। तो सरफेस चाहे फर्स्ट लें, बड़ी सरफेस लें, चाहे सरफेस सेकंड लें, छोटी सरफेस लें, दोनों के अंदर चार्ज तो क्यू ही है, ठीक है, तो फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, यहां पे दिया है, द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द एनक्लोज चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द सरफेस। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, गॉशियन सरफेस का रेडियस चाहे आप डबल कर दो चाहे हाफ कर दो, अगर एनक्लोज चार्ज क्यू है तो फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्यों? क्योंकि फ्लक्स डिपेंड सोलोली ओनली अपॉन क्यू इनसाइड, ठीक है, सिर्फ क्यू के ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्लक्स विल नॉट चेंज। नाउ दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था फ्लक्स का वो था हमारा, हम पहले छोटा किसी स्मॉल एलिमेंट से निकालते हैं, डी फाई निकालते हैं और उसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं थ्रू आउट द होल सरफेस, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू होता है ये सरफेस के अंदर का चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। इसमें जो ई है इस पे बेस क्वेश्चन है आला, कंसीडर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्फेरिकल गॉशियन सरफेस एज शोन। अब शोन तो क्या नहीं किया हुआ है मैंने, व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, नहीं यहाँ पे शो किया हुआ है मैंने, ठीक है, गॉशियन सरफेस है, आपको दिख रही होगी गॉशियन सरफेस यहाँ पे, ठीक है। तो इन क्यू इनसाइड तो आपका इसके अंदर प्लस क्यू वन और माइनस क्यू वन, तो ये तो जीरो हो गया, और बाहर का चार्ज है क्यू टू। तो अब इसमें पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये ई की बात कर रहा है ये, ठीक है, इसकी बात कर रहा है कि ये किसकी वजह से होगा, Q2 only the positive charges, all the charges। तो ये ध्यान रखना E जो होता है, ठीक है, जब हम E रखते हैं इस formula के अंदर, it is due to the inside charges as well as due to the outside charges। ये closed surface है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, और एक question IIT में आया हुआ है। How to prove Gauss theorem? तो हम इसको बहुत simple way में एक simple सा example लेते हैं। Q charge है center पे और उसके पास एक Gaussian surface है जो sphere की form में और इस sphere का center Q के ऊपर है, ठीक है। तो नेचुरली Q का जो मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका, क्योंकि रेडियस सेम है सरफेस के ऊपर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि R सरफेस पे हर जगह सेम है, तो मैग्नीट्यूड E का हर जगह इक्वल आएगा, ठीक है, हर जगह मैग्नीट्यूड जो होगा E का इक्वल आएगा। तो E का मैग्नीट्यूड कितना है, You can write it like this in vector form, E का magnitude आपको ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले d phi calculate करते हैं, ठीक है, तो d phi हो जाएगा आपका E dot ds। अब ये भी electric field भी radially outward है और area element भी radially outward है, ds हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, area element जब भी हम closed surface की बात करते हैं, ठीक है, तो angle कितना हो गया, angle हो गया आपका 0, और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा E ds, ठीक है, cos 0 और यू कैन से EDS, क्योंकि cos 0 की वैल्यू आ गई 1, तो ये तो आया आपका फ्लक्स रिलेटेड विद एरिया एलिमेंट ds। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, टोटल फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस, तो ये आपका हो जाएगा, आपने लिया इसका सरफेस इंटीग्रल ले लें E dot ds हमने अभी कैलकुलेट किया इस सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, तो ये आया EDS। E क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, तो E बाहर आ जाएगा आपका। तो सरफेस इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, ds का करेंगे, क्योंकि ये स्फीयर है इसलिए ds का जब सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा E इंटू, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया आपका। और E की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो E की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई विल कैंसिल आउट, आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो बचा क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस थ्योरम है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स कितना आ रहा है, फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज स्मॉल पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस थ्योरम, और इसके ऊपर बेस्ड जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वी विल डिस्कस इन अदर वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।